हाय दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं आपको ये बताऊंगा कि बायफोकल लेंस और प्रोग्रेसिव लेंस में क्या फ़र्क होता है और किस तरीके से दोनों की पहचान हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पे मेरे सामने एक लेंस है, इसको बोलते हैं दोस्तों, ये बायफोकल लेंस बोलते हैं, क्रिप्टॉक बायफोकल बोलते हैं इसको। तो दोस्तों, यहाँ पर ये दूर और यहाँ पर ये नज़दीक का विज़न रहता है। ये तो दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि कैमरे में दिखेगा नहीं, उसके लिए मैंने ये मार्कर से किया हुआ है। ये तो फिर घुस जाएगा, लेकिन ऐसा यू राउंड आता है, आपको करीब से दिखेगा। तो दोस्तों, जो 40 साल के बाद जो नंबर लगता है नज़दीक दूर का, वो दोस्तों उसमें आप ये पहन सकते हो, दूर और ये नज़दीक का रहता है, इसको बोलते हैं दोस्तों ये बायफोकल लेंस है। दोस्तों, दूसरा होता है ये प्रोग्रेसिव लेंस। प्रोग्रेसिव लेंस में दोस्तों, यहाँ पे आपका दूर का रहता है, यहाँ पे नज़दीक का रहता है, और यहाँ पे इंटरमीडिएटली, मतलब आप कंप्यूटर का बोल सकते हो, दूर और नज़दीक के बीच में का नंबर। दोस्तों, बायफोकल में दोस्तों सिर्फ आपका दूर और सिर्फ नज़दीक का कवर होता है, और प्रोग्रेसिव लेंस में आपका दूर, नज़दीक और इंटरमीडिएटली आपका तीनों कवर करता है। इसके लिए जो कंप्यूटर यूज़र है उनके लिए ये प्रोग्रेसिव लेंस पहनना चाहिए, या किसी को ऐसा राउंड दिखे ऐसा नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी ये प्रोग्रेसिव लेंस है। ये तो सिर्फ फिटिंग तक ही है, ये ग्रीन तो बाद में निकल जाता है फिटिंग होने के बाद, ये सिर्फ फिटिंग के लिए रहता है। तो दोस्तों, अगर आप बायफोकल के अलावा कोई और लेंस पहनना चाहते हो, तो आप इसे प्रोग्रेसिव लेंस पहन सकते हो, जो 40 साल के बाद लगता है नज़दीक दूर साथ का। तो दोस्तों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।